नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट मतलब मूत्र रोग विशेषज्ञ और एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ। और मैं इंडिया में फोरमोस्ट सर्कमसिजन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे क्लिनिक गोविंदा मेडिकल सेंटर न्यू दिल्ली इंडिया में महीने में 300 से ऊपर ZSR सर्कमसिजन होते हैं और हर वैरायटी के फाइमोसिस और लिंक के स्किन की प्रॉब्लम्स को हम ZSR सर्कमसिजन से सॉल्व करते हैं। मेरे ZSR सर्कमसिजन पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने ZSR सर्कमसिजन को लेकर हर प्रॉब्लम हर पॉइंट को कवर किया है। आज के वीडियो में मैं बेसिकली ZSR सर्कमसिजन इन न्यू दिल्ली इंडिया के बारे में कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आप ZSR सर्कमसिजन कराना चाहे तो ये होता क्या है, इसको कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, सर्जरी में कितना टाइम लगता है, सर्जरी कराने के बाद आपको कितने रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, सर्जरी कराने के बाद आप कितने दिन बाद अपने नॉर्मल काम में लग सकते हैं, सर्जरी के बाद अपने पेनिस की केयर कैसे करें, और सर्जरी कराने के बाद आपको कितने दिन के बाद सेक्स फिर से कर सकते हैं। तो हम ZSR सर्कमसिजन के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ZSR सर्कमसिजन एक सर्कमसिजन डिवाइस है। ये एक सर्कमसिजन स्टेपलर है जो ZSR कंपनी बनाती है और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली ट्रेंड ZSR सर्जन्स के पास इंडिया में अवेलेबल है। ZSR सर्कमसिजन की कई चीप कॉपीज अब मार्केट में अवेलेबल है, जैसे लैंज, सेकेंड जनरेशन और भी कई जो ZSR सर्कमसिजन की कॉपीज है, और ये जो है पेशेंट को एक्चुअली मोर हार्मफुल है देन बेटर। इन कॉपीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो है कि सिलिकॉन रिंग। इन सब कॉपीज़ में सिलिकॉन रिंग एब्सेंट है। इन सब कॉपीज़ में जो स्टेपलर है या जो मेटालिक रिंग है वो डायरेक्टली स्किन पे लग जाती है। इस कारण से स्किन की हीलिंग डिलेड होती है, रिंग्स अपने आप नहीं निकलती और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब भी आप सर्कमसिजन कराना चाहे स्टेपलर से, तो हमेशा ZSR की डिमांड कीजिए। और ZSR अगर चूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि जो ZSR यूज़ हुआ है उसमें सिलिकॉन की रिंग है या नहीं। ये सिलिकॉन रिंग का अपने आप बहुत फ़ायदा है। पहला है कि ये सिलिकॉन रिंग प्रिवेंट करती है कि जो मेटल स्टेपलर्स है वो स्किन पर ना लग के सिलिकॉन रिंग के ऊपर लगते हैं, इस कारण से पेशेंट को पेन नहीं होता। सेकंड, सिलिकॉन रिंग अर्ली हीलिंग में हेल्प करती है। और सिलिकॉन रिंग से एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिंग अपने आप गिर जाती है। अगर सिलिकॉन रिंग नहीं है तो वो स्टेपलर अपने आप नहीं गिरेगा और उन पिंस को निकलवाने के लिए आपको फिर से वापस अपने शहर से, अपने घर से आना पड़ेगा। इन्फेक्शन, पेन और ब्लीडिंग का रिस्क अलग है। तो ZSR सर्कमसिजन क्यों इतना अच्छा सर्कमसिजन है? ये इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि इसके पांच मेन फायदे हैं। सबसे पहले, क्विक है। इस सर्कमसिजन में सिर्फ 30 सेकंड से 32 सेकंड लगते हैं। पूरा ओटी टाइम लगता है 3 से 4 मिनट, पर एक बार जब स्किन चले गई स्टेपलर में और स्टेपलर फायर हुआ तो यूजली 30-40 सेकंड्स में पेशेंट आउट है। क्योंकि क्विक है, इसके अंदर क्रशिंग नहीं होती। बाकी स्टेपलर्स में स्किन को क्रश करते हैं, क्रश करके उसके ऊपर स्टेपल लगता है। ZSR में अंदर एक बहुत शार्प ब्लेड है जिस कारण से स्किन बहुत शार्प कटती है। ये शार्प कटने की वजह से हीलिंग बहुत अच्छी होती है, स्कारिंग बिल्कुल नहीं होती और हम एक को बहुत स्मूथ, बहुत स्कारलेस जो है हमको एक सर्कमसिजन मिलता है। तीसरा एडवांटेज है कि इट इज़ ब्लडलेस, बिकॉज कटिंग और सीलिंग एक साथ हो रही है तो कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा बाद में या पहले उसका रिस्क नहीं है। क्योंकि ब्लीडिंग नहीं है, क्योंकि कटिंग बहुत शार्प है, क्योंकि क्रशिंग नहीं है, तो इट इज़ पेनलेस। पेनलेस इज़ नॉट कि सर्जरी करने से पहले पेन, इवन सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट्स को यूजली पेन नहीं होता। 2 से 3 दिन पेन किलर्स के बाद पेशेंट्स को पेन किलर की जरूरत भी नहीं पड़ती। पांचवा बेनिफिट, इसकी जो रिंग है वो अपने आप निकल जाती है, तो आपको इसको निकलवाने के लिए फिर से आना नहीं पड़ेगा। इसमें कोई टाके नहीं है, इट इज़ अ स्टिचलेस सर्कमसिजन, तो टाकों के गंदे भद्दे निशान भी नहीं पड़ते। उसके अलावा उसके और एडवांटेज है कि इसमें हम पार्शियल कर सकते हैं, मतलब पूरी स्किन निकालने के बजाय सिर्फ जो आपकी टाइट स्किन है या टाइट फाइमोसिस वाला कॉम्पोनेंट है उसको निकाल कर हम जो पार्शियल एक आपको लुक है वो दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत लोग पूछते हैं कि ZSR सर्कमसिजन में फ्रेनुलम कैसे मैनेज होता है। अंडर सर्कमसिजन हमको, कोई भी सर्कमसिजन होगा उसमें फ्रेनुलोप्लास्टी ज़रूरी है, बिना फ्रेनुलोप्लास्टी के कोई सर्कमसिजन नहीं होता। आपको जो फ्रेनुलम जो डिटैच्ड है उसको कहीं तो अटैच करना पड़ेगा। तो ZSR सर्कमसिजन में फ्रेनुलोप्लास्टी इज़ ऑलवेज डन प्रायर टू सर्कमसिजन। और अभी हमारे सेंटर पे इतने ZSR होते हैं तो हमने एक नई टेक्निक डिवाइस की, इसको बोलते हैं लेज़र वेल्डिंग। तो इसमें हम फ्रेनुलोप्लास्टी भी जो है इंक्लूड करते हैं सर्कमसिजन के साथ, और फ्रेनुलम के अंदर बिना टाके लगाए स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी कर फ्रेनुलम प्लस फाइमोसिस दोनों को बहुत कन्वीनियंटली और इजीली मैनेज कर सकते हैं। ZSR सर्कमसिजन एक्सट्रीमली सेफ है,
इसके अंदर ये डिवाइस इस तरह से बिल्ट है कि इसके अंदर किसी भी तरीके से पेनिस को इंजरी हो ही नहीं सकती। तो आपके पेनिस का पेशाब का छेद, सेक्स का पार्ट, ऑर्गन, ग्लांस, ये सब सेफ रहता है। इसमें कभी भी कोई इंजरी या कोई ब्लीडिंग या कोई कट लगने का चांस नहीं है, क्योंकि हम कोई कॉटरी या हम कोई भी सीजर यूज़ नहीं कर रहे, तो हम किसी भी तरह आपके पेनिस को डैमेज नहीं करते। सर्जरी के बाद आपको कोई पेशाब की पाइप, कोई बेहोशी, कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया, कोई कमर में दर्द, कमर में सुई की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल लोकल एनेस्थीसिया से ये सर्जरी प्रॉपरली हो जाती है। क्योंकि हम इतने केस कर चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर ट्रिपल एनेस्थीसिया टेक्निक यूज़ करता हूँ। हम एनेस्थीसिया स्प्रे, ऑइंटमेंट प्लस इंजेक्शन यूज़ करने के कारण बहुत मिनिमल पेन, मतलब हमने कोशिश की है कि एनेस्थीसिया का पेन भी गायब हो जाए। तो सारे मरीज, छोटे बच्चे हो चाहे अडल्ट हो, लोकल एनेस्थीसिया मतलब सिर्फ स्प्रे और इंजेक्शन से अपनी सर्जरी करा के जा सकते हैं। सर्जरी के बाद कोई पेन या कोई दिक्कत नहीं होती। पोस्ट सर्जरी आप अपना अंडरवेयर पहनिए, अपना जीन्स पहनिए, अपनी पैंट पहनिए, सब कुछ करिए। एक या दो दिन रेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर अगर आप बहुत हेक्टिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप बिना रेस्ट किए भी अगले दिन अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है कि आफ्टर सर्कमसिजन सेंसिटिविटी का क्या? सेंसिटिविटी उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनकी स्किन आज तक कभी खुली ही नहीं है, तो उन पेशेंट्स के अंदर सेंसिटिविटी का एक रिस्क रहता है। और वो सेंसिटिविटी यूजली 2 to 3 days रहती है, उसको डाउन हो जाती है। नॉर्मली 1 week के बाद पेनफुल सेंसिटिविटी या अंडरवेयर को टच करने पे करंट, इस टाइप की फीलिंग्स पेशेंट को नहीं आती, पेशेंट को उससे परेशानी नहीं होती। तो ZSR सर्कमसिजन ओवरऑल एक कन्वीनियंट सेफ सर्जरी है। अगर आपने ZSR डिवाइस से इसको कराया है तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा मेरे क्लिनिक पे इसको कराने के कई फायदे हैं। पहला, मेरे पास सर्कमसिजन का लोवेस्ट प्राइस है जो कहीं पर भी इंडिया में अवेलेबल है। सेकंड है, मेरे क्लिनिक में हम जितना भी आपका पेशेंट्स हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉलोअप, तो हमारे पास लड़के हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस को हर रोज़ 24 आवर्स सॉल्व करते हैं। आपकी ड्रेसिंग्स जो है वो पैकेज में इंक्लूडेड है। आपको मतलब हर स्टेप, मतलब सर्कमसिजन का पूरा एक हीलिंग प्रोसेस तक आपके हर स्टेप में हम आपका हाथ होल्ड करके चलते हैं, ताकि आपको हीलिंग में या रिकवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको फाइमोसिस है या फोरस्किन की प्रॉब्लम है और आप ZSR सर्कमसिजन को कंसिडर कर रहे हैं, तो ZSR सर्कमसिजन ज़रूर कराए, सेफ है। दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं तो क्लिनिक पर ज़रूर आए, आपको एक फिक्स प्राइस में, एक बहुत ही अच्छे प्राइस में एक बहुत ही अच्छी सर्जरी प्रोवाइड की जाएगी। प्लान कैसे करें? नॉर्मली सर्जरी 5 to 6 minutes की होती है, पर नॉर्मली हम पेशेंट को 3 to 4 hours सेंटर में रखते हैं ताकि उसके एंटीबायोटिक्स लग जाए, उसको जो टेस्ट है उसके हो जाए, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। हम सब कुछ नया इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी क्लीन ओटी में होती है, सर्जरी में सारा सामान क्लीन होता है, डिवाइस डिस्पोजेबल है तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, एंटीबायोटिक अच्छी क्वालिटी की है। पोस्ट सर्जरी आपकी ड्रेसिंग करके भेजते हैं, ड्रेसिंग भी आपको समझा के भेजते हैं। आप सर्जरी के बाद कॉफ़ी चाय लेके पेशाब करके आराम से कंफर्टेबली अपने होटल में या अपने घर वापस जा सकते हैं। अगले दिन नॉर्मली आपकी ड्रेसिंग चेंज करते हैं, ड्रेसिंग चेंज मेरा स्टाफ करता है या नर्सिंग स्टाफ जो वेल ट्रेन है करता है, मेरी सुपरविजन में करता है। ड्रेसिंग चेंज करने के बाद आपको आपकी ड्रेसिंग करना सिखा देते हैं। उसके बाद आप चाहे तो अपनी सिटी या स्टेट में वापस ट्रैवल कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप 48 hours मतलब एक दिन सर्जरी और एक दिन ड्रेसिंग का टाइम लेके निकले तो सर्जरी कंफर्टेबली हो सकती है। आप चाहे तो पहले मुझे दिखा सकते हैं या दिखा के सर्जरी की डेट ले सकते हैं, या आप पहले मेरा जो स्टाफ है उनको कॉल कर अपनी सर्जरी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डायरेक्टली आके सेम डे सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम नॉर्मली हफ्ते में 50 to 60 सर्जरीज करते हैं, तो हमें उसको प्रॉपरली लोकेट करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सर्जरीज एक दिन कर हम पेशेंट्स को इन्फेक्टेड नहीं रहना चाहते। तो हम यूजली 8 to 9 or 9 to 10 सर्जरीज का सामान फ्रेश रखते हैं, ताकि आराम से पेशेंट की सर्जरी भी हो जाए, ड्रेसिंग भी हो जाए, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो। तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड यू वॉन्ट ZSR सर्कमसिजन इन दिल्ली इंडिया, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी एंड माई टीम एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट रिजल्ट्स डैट यू नीड। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मैं आपके लिए आगे इससे बेटर वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।